अस्सलामुअलैकुम मेरे तमाम पाकिस्तानी जनलैन के मेंबर्स, तमाम भाइयों और बहनों, आप सबको ज़हीब नबील का सलाम। आपने अभी तक इस शो में मेरे साथ बहुत सारी शख्सियात को देखा है। कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, हमारे मोहतरम उस्ताद थे, हमारे प्रिंसिपल साहब थे, बट बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनकी पहचान वो खुद बनाते हैं। उन्हीं में से एक शख्सियत ऐसी है जो आज हमारे साथ है, जिनकी पहचान उनका अपना नाम है। उन्होंने जो कुछ किया है अपने बलबूते पे किया है, सेल्फ मेड मैन है, बहुत मशहूर हस्ती हैं एलेन की। और सबसे बड़ी इनकी खूबी यह है कि ये हमारे अपने शहर एलेन से ताल्लुक़ रखते हैं और इन्होंने जो कुछ हासिल किया है वो यहीं से हासिल किया है। इनकी बहुत सारी पहचानें हैं, कोई इनको सोशल वर्कर कहता है, कोई इनको बिजनेसमैन कहता है, कोई इनको एजुकेशनिस्ट कहता है। आप क्या सोच सकते हैं कि 70 की दिहाई में पाकिस्तान से एक बंदा उठ के यूएई आता है और ईंटें उठाता है, ये जो स्लैब्स होती हैं वहां से काम शुरू करता है और आज 2 अरब डॉलर का मालिक है और आधे लैया शहर को पढ़ाने का ठेका इन्होंने ही लिया हुआ है। लैया का लिटरेसी रेट, हर चीज़ को में एक वाजिया फर्क इन साहब की वजह से आया है। कुछ लोग इनको सर सैयद ऑफ लैया कहते हैं, कुछ लोग इनको लैया का मोहसिन कहते हैं, लेकिन मेरी नज़र में ये सब पाकिस्तानियों के मोहसिन हैं, सिर्फ लैया के मोहसिन नहीं है। मेरे ख्याल से मेरे एक इंट्रोडक्शन से आप समझ तो गए होंगे कि हमारे साथ आज कौन मौजूद हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं राय गुलाम अब्बास भट्टी साहब, पाकिस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत, हमारे बहुत बड़े मोहसिन, हमारे बहुत बड़े साथी और हम तमाम पाकिस्तानियों की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम गुलाम अब्बास भट्टी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जाहिर नबील साहब, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत है? मैं बहुत बिल्कुल खुश हूँ कि मेरा माशाल्लाह आप इंटरव्यू ले रहे हैं और मेरी आवाज़ पाकिस्तानियों तक, पूरे पाकिस्तानियों तक, जो मेरा हार्ट है उन तक पहुँचा रहे हैं। तो मैं आपके चैनल को सलाम पेश करता हूँ और पूरे पाकिस्तानियों को, पाक आर्मी बिल्कुल जिंदाबाद। बहुत खुश हूँ आज मैं, अलहम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप हमारे पास आए। हमारे कुछ मेंबरान हैं वो आपको सलाम कह रहे हैं, जिसमें मोहम्मद उस्मान अफजल साहब, मोहम्मद आसिफ साहब हैं, आपको खसूसी तौर पे सलाम और वेलकम कर रहे हैं हमारे ग्रुप में, जो पाकिस्तानियों की एक छोटी सी कम्युनिटी है जो हमने यहाँ पे इस्टेब्लिश की है कि हम लोग यहाँ, क्योंकि आपको पता है कि एलेन में एक मसला था कि पाकिस्तानी तो बहुत थे लेकिन हमारा कोई कम्युनिटी सेंटर अब रह नहीं गया था, सही तो बात हमने कहा इनको ऑनलाइन ही जमा किया जाए। और कुछ कोरोना की सिचुएशन ने, लोगों के बाहर ना निकलने की वजह से हमें कुछ सहूलत मिली जी। हाँ और ये सब हुआ। लेकिन सर हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि हम सब तो बच्चे हैं जिन्होंने अब आके एलेन आए, एलेन देखा समझा, बल्कि यूई देखा और समझा, लेकिन आप वो शख्सियत हैं जो 70 की दिहाई में यूई आई थी। आप क्या, बिल्कुल किस तरह सर, देखें मैं हूं, मैं भी शायद यहाँ पे 7-8 साल से काम कर रहा हूँ, आप जैसा सक्सेस कभी नहीं हासिल कर सका। आप हमें बता सकेंगे वो क्या चीज़ थी जो 70 की दिहाई में आप लेके यहाँ पे आए, जिसने आपको ये स्पार्क दिया और आप इतनी बड़ी चेंज और रेवोल्यूशन लाए जो सिर्फ आपको नहीं बल्कि आपके पूरे इलाके में, क्या पूरे पाकिस्तान में जिसका इफेक्ट हुआ, जैसे हम रिपल इफेक्ट कहते हैं कि आपने एक ऐसा पत्थर पानी में फेंका जिसके हिलने से पूरा मुल्क और हर चीज़ बदल गई। वो जिला जो शायद पाकिस्तान का पसमानदा तरीन जिला था, आज एजुकेशन का बिल्कुल गढ़ बन गया। तो सर हम ऐसे सबसे पहले आपके एलेन आने का किस्सा सुनना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि आपने एलेन से कैसे शुरू किया। हम किसी आपके गैर रवायती इंटरव्यू की तरफ नहीं जाएंगे, हम आपसे सिर्फ आपके बारे में जानना चाहेंगे सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। तो मैं 75 में एलेन में आया हूँ। पहले पहले अबू धाबी में आया, तो वहाँ एक एरिया है बदजायद, फिर मैं वहाँ गया और वहाँ मजदूरी करता रहा। फिर मैंने सोचा यार ये कहाँ तक करूँगा, ये 600 पे मैं कहाँ तक करूँगा मजदूरी। वहाँ से मैं निकला और रोड के ऊपर खड़ा था, 2 दिरहम मेरे जेब में थे, तो मैं वहाँ खड़ा था। तो मैं देख रहा था, जब टैक्सी आती थी तो ऐसे इधर मुँह कर लेता था, जब कोई गाड़ी दूसरी आती थी तो फिर ऐसे करता था, लिफ्ट मांगता था। तो चढ़कर मैं अलैन आ गया। अलैन पहुंचा तो एक आकर रेस्टोरेंट में, शेर पंजाब उसका नाम था, उसके ऊपर लिखा होता फार सेल, रेस्टोरेंट फॉर सेल। तो मैंने कहा यार ये रेस्टोरेंट लेना चाहिए, पाकड़ में 2 दिरहम है मेरी में। तो सुबह जुमा था, माशाल्लाह रात का टाइम, यही टाइम था, एग्जैक्टली यही टाइम था। तो माशाल्लाह मैं बैठा रहा वहां, वो आ गए, अपना 4 डॉक्टर थे उनका था, ये वेटनरी डॉक्टर थे, डॉक्टर सफदर, डॉक्टर एहतशाम, डॉक्टर गौस और एक और था उनके साथ, डॉक्टर सफदर, 4 थे डॉक्टर। तो पार्ट टाइम वो रेस्टोरेंट पे आते थे। तो मैं वहां पहुंचा तो मैंने कहा कि मैं बेरोजगार हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ। तो
मैं अपना कराची लंदन से एक सूट पहन कर गया था, सूट लिया था। मुझे कहते हैं बच्चे, कहते हैं ना बताया करो ये बातें, तो नहीं सर, सच बोलना चाहिए सर। मैंने जरूरी बतानी है। एक तो मेरे बच्चे कहते हैं कि आप ये नहीं बताया करें कि आप स्कूल कैसे जा रहे थे। मैंने कहा मैं नंगे पांव जा रहा था स्कूल, गर्मी में ग्रास के पौधे पे खड़ा हो जाता था, फिर रेस लगानी, फिर आगे ग्रास के पौधे पे खड़ा हो जाना था। ये मेरी मेरा माजी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक मजदूर किसान का बेटा हूँ, किसी चोर डकैत का बेटा नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का। तो मैं वहां पहुंचा रेस्टोरेंट में, तो उसने कहा कि यार आप ब्रांडेड आपने कपड़े पहने हुए हैं, थे लंडे के थे ना, तो कहते हैं कि ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं आपने, तो ये कैसे आप करेंगे रेस्टोरेंट में काम। मैंने कहा भाई देखें, मैं चोरी डकैती गलत काम करूं, उससे बेहतर नहीं कि मैं मजदूरी कर लूं, मुझे ये सही पसंद है। हाँ लेकिन हाँ, मुझे कोई गाली गलौज ना देना, बस ये आपकी मेहरबानी होगी। खैर मैंने काम किया वहां, 45 दिन बाद फिर शुक्र अल्लाह का वो रेस्टोरेंट बेच रहे थे। मैंने कुछ मेरी तनख्वाह आ गई, कुछ भाई से लिए, कुछ इधर से उधर से, यानी एक मेरा पार्टनर था उससे। तो मैंने कहा कि एक आदमी रेस्टोरेंट लेता है, उसने कहा कौन है। मैंने कहा ऐसा है कि वो 10,000 एडवांस देता है और बाकी 10-10 हज़ार के चेक देते हैं। कहते उसको लाओ, 85 की बात हो गई। मैंने कहा ठीक है उसे लाऊंगा। एग्रीमेंट टाइप कराया, फर्स्ट पार्टी शेरे पंजाब, सेकंड पार्टी गुलाम बस भट्टी, ये लिखवा कर लेकर गया उसके पास। उसने कहा मैं साइन बाद में करूंगा, पहले मैं चेक कैश कराऊंगा आज। अच्छा, उसने चेक कैश करवाया, फिर मुझे बुलाया शाम को, कहते उससे बुलाओ। मैंने कहा आप सिग्नेचर तो करें, स्टैंप लगाए, उसे भी बुला लेते हैं। उसने सिग्नेचर किए, स्टैंप लगाए, मैंने साइन किया, उसने कहा उसको बुलाओ। मैंने कहा आपके सामने है जिसने ये रेस्टोरेंट लिया शेरे पंजाब, तो कहता है क्या मुझे, कहते अपना आइडेंटिफिकेशन कराए। मैंने उसे अपना कार्ड दिया, उस टाइम मैनुअल हाथ से लिखा जाता था, तो वो मैंने उसे दिया। तो खड़े होकर मुझे सलूट पेश करता है, कहते सलूट है आपके पेरेंट्स को कि माशाल्लाह आपने 45 डेज बाद ये रेस्टोरेंट लिया है, चलो शुक्र है अल्लाह का, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। उनको बुलाया स्टाफ को, तो वो पहले मुझे गालियां दे रहे थे, कहते थे यार ये से हमारा साहब कैसे सलूट कर रहा है, ये क्या खिलाया है इसने, कोई इस पे जादू किया है अब्बास भट्टी तो वो उनको कहा आज के बाद तुम्हारा सेठ ये है, अब्बास भट्टी तुम्हारा सेठ है। उनको बुलाया, वो कहते वो कैसे, कहते इसने हमसे खरीद लिया है। मैंने कहा देखिए अभी ऐसा है कि मैं आपको काउंटर के नजदीक नहीं जाने दूंगा, आप सबकी जितने भी आप सबकी 300-300 तनख्वाह ज्यादा आज के बाद। तो वो भी खुश हो गए, खैर अल्हम्दुलिल्लाह चलता रहा। सेल उस टाइम जो सेल थी वो थी 600, जो सेल होती थी एवरीडे। तो शुक्र है अल्लाह का, मैं उसे लेकर उसके चेंज लाया, उसमें शीशे पे टेबल पे शीशे चढ़ाए, मैरून अपना कॉटन डाले मैंने, तो उसकी सेल गई 4,600 पर, 4,800 पर, 5,000 जुमे वाले दिन होती थी। तो मेरे मालिक की मेहरबानी हुई, फिर मैंने साथ नर्सरी शुरू कर दी, फॉरेस्ट नर्सरी। फॉरेस्ट नर्सरी शुरू की मैंने, तो उस टाइम फॉरेस्ट्री बहुत आगे आ रही थी, ये महकमा जंगलात जिसे अलगाबाद कहते हैं, अलगाबाद माशाल्लाह जिसे कहते हैं, बहुत आगे आ रहा था। ये दुबई अबू दुबई अलाइन रोड पे भी पौधे लगे हुए हैं, ये पौधे मेरे हैं सारे, दोनों साइडों में लगे हुए हैं, ये पौधा मेरा है, मैंने लगाया है ये, तो अल्लाह की मेहरबानी है। वैसे तो 85% प्लांटेशन मेरी है अबू धाबी के अंदर, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट, कहीं डायरेक्ट, कहीं इनडायरेक्ट, कहीं सब कॉन्ट्रैक्ट, कहीं प्लांट सप्लाई किए हैं, कहीं कुछ किया। मैंने खुद अपनी जो थैलियां थी वो भी अपने हाथों से भरता रहा हूँ, स्प्रे भी किया है मैंने अपनी नर्सरी में खुद। तो मैं मेरे अभी तक भी अगर कोई काम आ जाए तो कोई आर नहीं है मेरे में, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं काम 3-3 दिन में जागता रहा हूँ प्रोजेक्ट के ऊपर, 3-3 दिन। बस मैं ये कहूंगा इफ यू वांट समथिंग गेन, इफ यू वांट समथिंग गेन, टाइम इज टीचर। और उसके लिए, सही बात है सर। उसके लिए ट्रायंगल, स्टेगर, स्टेगल, सिंसेरिटी एंड चैरिटी, चैरिटी स्टेगल सिंसेरिटी, चैरिटी भी थोड़ी सी साथ करें, स्टेगल जरूरी है सिंसेरिटी के साथ। ये अडॉप्ट किया हुआ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर मैं गया फॉरेस्ट्री में, कंपनियां बाहर की, इटालियन कंपनी थी बंडीटो सग्रावती, और हंगेरियन और फ्रांसीसी और बहुत सी कंपनियां थी, ये यही प्लांटेशन कर रही थी, फॉरेस्ट लगा रही थी। तो सबको नर्सरी थी, हम 40-41 नर्सरी वाले थे हम। कंपटीशन में आकर उस टाइम 6 रुपए रेट था एक पौधे का, मैंने 1 रुपया कर दिया,
फिर आकर 8 आने एक पौधे के कर दिए मैंने, वो सब भागे, उनके घर में खड़ी हुई नर्सरियां मैंने खरीद ली, आपने आदमी बिठा दिए तो पौधा वही फिर 6-8 रुपए कर दिया मैंने, तो शुक्र है अल्लाह का। फिर प्रोजेक्ट से प्रोजेक्ट आ रहे थे, जो जिस प्रोजेक्ट पे मैं गया था एज ए टिपिकल लेबर काम कर रहा था, वहीं वही प्रोजेक्ट मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे लिया, मेरे मालिक की मेहरबानी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, 20 मिलियन का वही मैंने लिया, वो काम किया। फिर मैंने फैंस ड्रिप इरीगेशन का, पाकिस्तान का फाउंडर भी मैं हूँ ड्रिप इरीगेशन का, ड्रिप इरीगेशन हाँ हाथों से किया, ड्रिप इरीगेशन मैंने अपने हाथों से, अल्लाह की मेहरबानी है। तो वो भी तकरीबन 85,000 हेक्टेयर्स मेरी प्लांटेशन है यूएई के अंदर, और यहाँ से लेकर अलैन से लेकर अलखतम, अलखतम से लेकर फिर तारीफ, जबलदाना, रुएस, दिफाल हमरा, बदमतवा, हामीम, लिवा, बदजायद, ये सारे एरियाज जितने हैं यहाँ पौधे मैंने लगाए हैं, कहीं सप्लाई किए हैं, कहीं डायरेक्ट दिए हैं, कहीं सब कॉन्ट्रैक्ट किया है। फिर वाटर वेल ड्रिलिंग पाकिस्तानियों में सिर्फ मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे गल्फ के अंदर वाटर वेल ड्रिलिंग कंपनी, यानी कुएं निकालना, मेरे पास अमेरिकन रिग हैं अभी तक भी हैं। तो वो हाँ, अब वो काम साथ शुरू कर दिया, एक रिग लिया उधार पे, फिर उसके साथ साथ 3-3 मिलियन 4-4 मिलियन के रिग लिए। वो शुक्र है अल्लाह का कि दूसरों के जो ड्रिलिंग करते थे वो करते थे 150 फुट, 200 फुट, 100 फुट, और मेरे एक रात में 500 फुट, 550, 550 करते थे मेरे ड्रिलर। क्यों? कि उनकी तनख्वाहें, सारा कुछ, मेरे अपने बेटे, मेरे अपने भतीजे, वो उसमें थे माशाल्लाह लगे हुए, मैं खुद था। तो रात को भी जाकर छापा लगाना, रात को 1-2 बजे पहुंच जाना शॉर्ट पहनकर, मेरी यानी सारी जिंदगी मेरी स्ट्रगल में गुजरी है, कहाँ 75 और कहाँ अभी 2020 आ गया, खुद सोच लें। तो मेरी पूरी जिंदगी स्ट्रगल में गुजरी, अभी तक मेरी नीड है सिर्फ कि मैं नींद कर लूं पेट भर के, वो मेरे पास नहीं है। अभी वेलफेयर में हूँ पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह, एक पहला अपना ट्रस्ट है जो कि डोनेशन नहीं लेता, अलाबाज भट्टी वेलफेयर ट्रस्ट, सर्च करेंगे तो मिलूंगा, गुलाम बस भट्टी सर्च करेंगे मिलूंगा, जीसी यूनिवर्सिटी लैया कैंपस सर्च करेंगे फिर भी मिलूंगा। शुक्र अल्लाह का, मैं एक मजदूर किसान का बेटा हूँ, बहुत सेटिस्फाइड हूँ, और किसी दिन अगर किसी के काम ना हो तो मैं अपसेट रहता हूँ। ग्रेट सर, माशाल्लाह। आपके लिए सर कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, आपको तबस्सुम नवीद साहबा कह रही हैं, ग्रेट पर्सनैलिटी विद ग्रेट विजन, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज सर। थैंक यू, उसके बाद सलूट है आपकी अजमत को। जी सर, हमारे प्रिंसिपल साहब कर्नल अब्दुल राशिद बंगिश साहब पाकिस्तान स्कूल अलैन के, वो कह रहे हैं कि आपकी सर्विसेज फॉर एजुकेशन विल बी रिमेंबर्ड फॉरएवर सर। मेरी आइडियल है ये, बहुत ही बंगिश साहब, सलूट है आपकी अजमत को बंगिश साहब, बहुत बहुत माशाल्लाह, बहुत नफीस आदमी, इनसे हमारा मुलाकात हुई थी कुछ अर्सा पहले। जो शख्सियत है उनके नाम नहीं, वो शख्सियत के नाम है, जैसा कि राजा खालिद साहब हैं अलैन में, या अपना ये अपना मलिक अजहर हो गए, जहीर कश्मीरी साहब हो गए, भाई आसिफ साहब हो गए, एक पाकिस्तानियों का दिल है, क्योंकि मैं 2 दफा पाकिस्तानी कमेटी का सदर बना हूँ अलैन में, पाकिस्तान स्कूल सेंटर का, मुझे पाकिस्तानियों से बहुत कुछ मिला है, इतना प्यार मिला है कि अबाउट माई थिंकिंग, बहुत प्यार मिला है। और अभी भी इधर भी अल्हम्दुलिल्लाह 24 बसें हैं जो सुबह से शाम तक फ्री चल रही हैं, पाकिस्तान में कहीं नहीं है। फर्जंद पाकिस्तान का अवार्ड मेरे पास है, जी टैग का, शेख मोहम्मद का, समूह शेख मोहम्मद का जी टैग का, वो भी मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, और प्राइड ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड भी मेरे पास है, अल्लाह की बहुत मेहरबानी है, मेरी सोचों से भी ज्यादा है। बेटा MPA बना है तो वो मेरे लिए कुछ नहीं है, कोई माना नहीं रखता, लेकिन मेरे लिए जो मायना रखते हैं अपना टीचर, जिनसे मैं लव करता हूँ इन कैटेगरी से, मैं वो भी बताता जाऊँ। नंबर 1 टीचर जो फादर ऑफ नेशन है वो, नंबर 2 स्टूडेंट्स, उनसे लव करता हूँ, नंबर 2 इवन जेंट लेडीज जेंट्स सबसे, क्यों, काइंड ऑफ लव जो है वो है सेम लाइक माई डॉटर, सेम लाइक माई सन, उनसे लव करता हूँ, देन गरीब से, जो मेरे एरिया का बहुत गुर्बत थी इतनी के हद से ज्यादा, और लिटरेसी रेट जो था वो था 4%, लिटरेसी रेट लैया का 4% था, और अल्लाह ताला की मेहरबानी है, शुक्र है अल्लाह का, अभी नाउ करंट रेट जो 90 है, 90%। सर इसी से एक सवाल है, मैंने स्कूल अडॉप्ट किए हैं, फ्री चल रहे हैं, जहाँ गवर्नमेंट नहीं, NGO छोड़कर चली गई है, मैंने कहा नहीं वो चली गई है ना छोड़कर, हम तो है ना, अल्लाह ताला के फंड से आता है जो सब कुछ,
और हम मेरी ही यूनिवर्सिटी में फोर्सेस जितनी उनके बच्चे जो शहदा हैं, जो आर्मी के शहदा हैं, जो कोई और फोर्सेस पुलिस वगैरह स्पेशल ब्रांच सीटीडी कोई भी है उनके बच्चे फ्री पढ़ते हैं, जो शहदा हैं, जो शहीद हो गए, मेरी माँ धरती पर कुर्बान हो गए हैं, उनकी अजमत को सलाम, जो मेरी माँ धरती पर कुर्बान हो गया, उनका हक है हम पर। ये ना कहे अब्बास भट्टी उनको पढ़ा रहा है, मैं एहसान कर रहा हूँ, नहीं, उनका हक है मेरे पे, उनका हक है मेरी मदरलैंड पे, उनका हक है हर पाकिस्तानी पे जो मेरी मदरलैंड पे कुर्बान हो गया, मेरी आर्मी के सपूत पाकिस्तान जो थे, जो मेरी मेरी अपनी जान तो दे दिए, एक इंच आगे नहीं आने दिया जिन्होंने, उनके लिए मेरी यूनिवर्सिटी में, उनके शोधा, उनके औलादों के लिए, उनके बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी में फ्री तालीम है मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। पूरा पाकिस्तान में तो मैं नहीं जा सकता हूँ, जहां तक मैं जा सकता हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो फ्री, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, उनके बच्चे फ्री और पिक एंड ड्रॉप भी फ्री, ये पूछ भी सकते हैं सब उनसे। पुलिस के बच्चे, जो शोधा के बच्चे हैं वो भी फ्री, आर्मी की शोधा के बच्चे वो भी, उनके लिए ऐलान है, उनकी ट्यूशन फी फ्री है बिल्कुल। मेरा लिख ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है उनमें भी, उसमें लैया इंस्टीट्यूट कॉमर्स एंड साइंसेस और जी सी यूनिवर्सिटी लैया कैंपस, उसमें भी फ्री पढ़ते हैं बच्चे, उनकी कुछ नहीं लिया जाता उनसे, उनका सर। बिल्कुल सर, इसी से रिलेटेड आपसे एक सवाल है सर। मैं अपना सवाल करने से पहले आपसे दो सवाल पूछना चाहता हूँ जो लोगों ने पूछे हैं। एल बारी साहब हैं, वो पूछते हैं कि कैसर किधर होता है आजकल, मैं नहीं जानता कैसर साहब कौन है, और एक गजम्फर अंकल किधर होते हैं सर। एल बारी, एल बारी जी सर, एल बारी कौन सा कैसर? कैसर मेरी लाइफ में तकरीबन 15 कैसर है। अच्छा, चले नहीं, चले सर इसको छोड़ते हैं। सर एक सवाल है, चले जो सवाल आपकी एजुकेशन से रिलेटेड है सर। आपने शुरू किया, ठीक है, एक मजदूर से एंटरप्रेन्योरशिप का बिजनेस शुरू किया और आपने अपना पैसा कमाना शुरू किया, तो एकदम ये सोच कैसे आई कि चले मैं तो पैसा कमा रहा हूँ तो अपना पैसा गरीबों पे लगा दूं, लुटा दूं, चैरिटी खोल दूं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल दूं, ये सोच कहां से आ गई सर? क्योंकि लोग जब पैसा आने लगता है सब भूल जाते हैं। मेरी जो मेरे हार्ट के मेरे माइंड में जो सवाल होते हैं वो ही आप कर रहे हैं माशाल्लाह। वो ये है, मैंने ना पहले अपना ये शौकत खानम को, इमरान खान का जो उस टाइम ये फंड रेज कर रहा था, उस टाइम मैंने अलाइन में सबसे ज्यादा डोनेशन मैंने दी, और दूसरे ही दिन उससे कहीं गुना मुझे पैसे और मिल गए। फिर एक पाकिस्तान में फ्लड आया, मैं यहाँ आया तकरीबन कोई थोड़े से पैसे दिए, कोई ये तकरीबन 70-75 लाख मैंने ये बांटा, उसमें आटा वगैरह वगैरह कंबल वगैरह दिए। मैं वहां गया हूँ तो मुझे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला 19 मिलियन का, शुक्र अल्लाह का। उस टाइम तो जाते हुए मुझे तकरीबन उस प्रोजेक्ट के अंदर तकरीबन 6 मिलियन प्रॉफिट थी। तो मैं ये मेरा 100% इसके ऊपर यकीन है, मैं अल्लाह ताला के साथ तिजारत कर रहा हूँ, थोड़े से लगाता हूँ और ठीक विद इन वीक मुझे मिल जाते हैं, विद इन वीक मुझे वापस मिल जाते हैं। ये मेन चीज यही है जो मैं कर रहा था। मैं स्ट्रगल सिंसेरिटी एंड चैरिटी आल्सो। फॉर एग्जांपल मेरी 1000 दिरहम तनख्वाह है, उसमें से मैं 50 दिरहम निकाल कर अपने रिलेटिव जो गरीब है उनमें दे दूं। बाई गार्ड आपको देखे कहां जाते हैं आप, कहां से कहां ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे जाएंगे ऊपर। तो ये चैरिटी भी जरूरी है, स्ट्रगल भी जरूरी है सिंसेरिटी के साथ, और चैरिटी भी बहुत जरूरी है। क्यों? कोई भी है उनका हक है, ये ना कहे कि हम इतने दे रहे हैं, हम इतने दे रहे हैं। मैंने अभी इसके अंदर अपना 14,000 फैमिली को, 14,500 फैमिली में राशन दिया, कुछ कैश दिया, तकरीबन 3-3.5 करोड़ दिया, और मुझे हकीकत में 6.5 करोड़ की प्रॉफिट हुई है, 6.5 करोड़ की प्रॉफिट हुई है 3 दिन के अंदर। जो मैंने एक जगह ली हुई थी उसका रेट ही इतना हो गया था कोरोना वायरस के अंदर, अभी वो डबल और हो जाएगा। तो मेरे मालिक की बहुत मेहरबानियां हैं, शुक्र अल्लाह का कि ये इस पर मेरा पूरा यकीन है। और स्ट्रगल बहुत जरूरी है, ये नहीं कि आदमी सोया रहे, गर्मी देखे, सर्दी देखे, ये करे, ऐसी नहीं है। नहीं, कुछ लोग है ना, देखे यार ये गरीब धूप पे काम करे, यार उनको फ्री का विटामिन मिल रहा है उन्हें करने दो, शुक्र पढ़ो अल्लाह का। हाँ, पानी पीते रहे, धूप में काम करें। मैं खुद शुक्र अल्लाह का कि अभी लास्ट ईद पे मैंने 66.5 किलोमीटर मैंने खुद किया है, पैदल किया है और लाइव किया है मैंने। मेरी अल्लाह की मेहरबानी है कि मैं वॉक करता हूँ 18 किलोमीटर एवरी डे करता हूँ, तो उसके बाद जो है मैं खुश रहता हूँ। और अपनी लाइफ में डॉक्टर के पास नहीं गया हूँ, बीमारी में चेक करवाता हूँ पूरी लाइफ में। अभी 22 का हो गया हूँ मैं, तो मैं अपनी लाइफ में मैं डॉक्टर के पास नहीं गया हूँ। दुआएं इतनी हैं, इतनी दुआएं हैं कि मैं सोच नहीं सकता हूँ। और सबसे ज्यादा गल्फ के अंदर पाकिस्तानी मैं लेकर गया हूँ, पहले डिस्टान इंजीनियरिंग वाला था, अभी मैं हूँ 47,000 पाकिस्तानी बाहर लेकर गया हूँ।
और ना ट्रैवल एजेंट हूँ, ना रिक्रूटिंग एजेंट, ना ही कोई एक कह दे कि मैंने वीजे से प्रॉफिट लिया, लानत भेजता हूँ उस पर, वीजे से प्रॉफिट लेने वाले नहीं, बिल्कुल नहीं। उन 47,000 में से 4 अच्छे निकले हैं सर। ये चार अच्छे निकलने का क्या केस है सर, आज आप ये भी सुना दें। आपने सबको हमेशा ये बोला है चार अच्छे निकले, पर आपने कभी ये बताया नहीं वो चार क्यों अच्छे निकले। बस चार कुछ होते हैं ना जी सर, चार अच्छे भी निकले हैं, चार उनमें से अच्छे भी निकले हैं, लेकिन मेरी नीड नहीं है, नीड नहीं है, मेरी अपनी एक ख्वाहिश है कि मैं इवन किसी की नौकरी लग रही हो मेरे जाने से मैं पाकिस्तान से टिकट लेकर आता हूँ, उसकी नौकरी लगवा कर फिर चला जाता हूँ। मेरा एरिया नीडी है, मेरी एरिया में बहुत साफ दिल है। पुराने जो थे उनको छोड़े, जो अभी स्टूडेंट है, नया जवान जवान नस्ल है, जो बाई गार्ड इतने अच्छे हैं, इतना प्यार मुझे देते हैं दिली तौर पे। मुझे अगर कोई मेरे शोल्डर स्ट्रांग होते हैं तो उनके अप्रिसिएशन से, उनके अप्रिसिएशन से मैं कहते हैं ना डू मोर, मैं और कुछ आगे बढ़ता हूँ इन जवानों की वजह से, इन पढ़े लिखे की वजह से, इन जो आजकल का स्टूडेंट है जो पढ़ा लिखा है, जो विजनरी है। देखें पुअर होना कोई बात, पुअर होना कोई बात नहीं, लेकिन अल्लाह करे कि इंसान मेंटली पुअर ना हो, मेंटली पुअर ना हो। पुअर होना क्या है, गरीब होना कोई बात नहीं, दिमागी तौर पे गरीब ना हो आदमी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एरिया में अभी ऐसे शुक्र अल्लाह का तकरीबन 90% तालीम आ चुकी है। जो बगल में यहाँ मुर्गा हुआ करता था, मुर्गा ये बगल के अंदर इधर मुर्गा रखते थे, आगे ढोल बजाते थे, और अभी लैपटॉप है उसी जगह के अंदर जहां मैंने यूनिवर्सिटी बनाई है। शुक्र है अल्लाह का, मेरे मालिक कितनी मेहरबानी है, खुश हूँ जो मैं जहां गया हूँ। मुझे कहते थे फिर, हाँ मुझे लैया से लेबर चाहिए, लैया से लेबर चाहिए, हर कंपनी वाला कहता था, किसी को 200, किसी को 400, किसी को 600 चाहिए होती थी तो मैं मंगवा कर देता। मैं मुझे गुस्सा है यार, सिर्फ एक हंगेरियन ने मुझे कहा, एप्रेश उसका नाम था, वो मुझे कहता है कि मुझे लोहिया से लेबर चाहिए। मैंने कहा लोहिया तो नाम लो, लोहिया तो नहीं कहो। तो मैंने कहा यार सिर्फ लेबर ही हो सकती है, तो मैंने एक उनके साथ मुकाबला किया, तो शुक्र अल्लाह का लिक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस बनाया, फिर जीसी यूनिवर्सिटी बनाई। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरे मालिक की मेहरबानी है, शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह के जो जो ड्रीम थी वो मेरे सामने है, जीसी यूनिवर्सिटी। और उसमें जो मैंने देखा वहां सामान अमेरिकन यूनिवर्सिटी के अंदर, इवन स्टूडेंट चेयर वो भी मैं वहां से कंटेनर भरे हैं, लैब का सामान जितना था मैं यहाँ लाया अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, अभी शुक्र अल्लाह का। और एक और बात बताता जाऊं, क्योंकि यहाँ बच्ची और बच्चे को देख लेते इकट्ठा बात करते भी माँ बाप कहाँ का कहाँ चला जाता था, पढ़ाते ही नहीं थे बिल्कुल बच्ची, और बच्चियों को तो पढ़ाना था ही नहीं। मैंने बच्चियों के लिए अलग बसें चला दी हैं, और बच्ची और बच्चा इकट्ठे एक टेबल पे नहीं बैठ सकते, कैफेटेरिया पे इकट्ठे नहीं बैठ सकते, और क्लास के अंदर भी एक साइड में बच्चियां हैं एक साइड में बच्चे हैं। शुक्र अल्लाह का, फिर माँ बाप आते हैं यहाँ देखते हैं तो दारुल अमान नहीं कह सकते थे, दारुल रहमान कहते थे, यार ये तो यूनिवर्सिटी नहीं है ये दारुल रहमान है, दारुल अमान। इस जैसे माशाल्लाह शुक्र है मेरे मालिक का कि अभी अब्बास भट्टी की बेटियां जहां पढ़ रही, एक दूसरे की तरफ बच्ची और बच्चा देख भी नहीं सकते, खुशहाल हैं। 7,000 तकरीबन स्ट्रेंथ है उसकी यूनिवर्सिटी की, और 4,000 के करीब कॉलेज में है अपना लिक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में है। मेरे मालिक की बहुत मेहरबानी है, लकी मरवत यूनिवर्सिटी जो है उसके प्रोग्राम 18 मेरे पास हैं, और गोमल यूनिवर्सिटी के वो भी अलग शुक्र है मेरे मालिक का 12 उसके हैं। तो मैं अभी एक हॉस्पिटल भी बना रहा हूँ, और यही काम कर रहा हूँ कि मैंने अपने एक ज़िला लैया में एक तालीम का भूचाल आ चुका है और आएगा। वो कहते हैं ना बाबा कौम ने फरमाया है कि काम काम और काम। मैं एक हकीर की एक रिक्वेस्ट है, तालीम तालीम और तालीम। बच्चा ये गुर्बत ये ना कहें कि अपना पैसे से या इस चीज से दूर होगी, नहीं, अगर मैं ये कहूंगा कि गुर्बत अगर दूर होगी तो तालीम से होगी। बच्चा तालीम कर ले, तालीम का जेवर पहन ले, सब कुछ है, फिर सब कुछ है। कुछ ऐसे हैं प्रोग्राम में बताना नहीं चाहता ताकि बच्चे को ऊपर स्टैंप ना लग जाए, दानिश स्कूल वाली हजारों की तादाद में बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं। एक स्कूल फुल, दो स्कूल फुल अडॉप्ट किए हुए हैं, वो फुल बच्ची बच्चे सारे फ्री पढ़ रहे हैं, तनख्वाहें वनख्वाहें सब कुछ फ्री है उनकी अल्हम्दुलिल्लाह।
और भी हजारों की तादाद में जो डिजर्विंग है वो फ्री पढ़ रहे हैं। मेरे मालिक की मेहरबानी है, कुछ डॉक्टर भी बनते हैं चोरी चोरी, वो भी बनाता हूँ सामने नहीं, बाकी कुछ हैं चीजें जो सामने करता हूँ ताकि हमें कोई देखे और वो भी करे। तो ये मेरा सिलसिला जारी है वेलफेयर पे पूरा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ है, मेरे भाइयों का साथ मेरे साथ है, मेरे भतीजे मेरे भांजे सारे दिन रात मेरे साथ होते हैं और उन पे गुस्सा भी होता हूँ, गुस्सा भी करता हूँ, वो हंसते चले जाते हैं, अंकल जो कह रहे हैं ठीक है, अंकल जो कह रहे हैं ठीक है, भाई हैं सभी मेरे साथ, पूरी पूरी की पूरी मेरे साथ है, पूरी भट्टी फैमिली मेरे साथ है, शुक्र अल्लाह का कि मैं बहुत खुश हूँ। मैं कहता हूँ कि दुनिया का अगर कोई खुश इंसान हो तो मैं हूँ, जहां जाऊं इतना ही प्यार मिलता है, इतना प्यार देते हैं कि मैं सोच ही नहीं सकता हूँ जो मुझे प्यार मिलता है। पढ़े लिखे जो जवान है, खासकर जो जवान है, पढ़े लिखे हैं, बाशऊर हैं, जो विजनरी हैं, जो माशाल्लाह मेंटली सिक नहीं है, जो बिल्कुल करुक्ट माइंडेड नहीं है, वो मेरे साथ हैं और ऐसे मेरे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने भी उनके लिए एक तारीख रकम करनी है, तारीख रकम करनी है, एक कर चुका हूं, एक दूसरी तारीख रकम करूंगा और दुनिया याद करेगी। मुझे सर सैयद लैया का खिताब मिला, सारे पूरे टीचर्स स्टूडेंट सारा मीडिया सब मिलकर, फिर जो स्टूडेंट थे उन्होंने हड़ताल कर दी, कहते नहीं अपना सर सैयद लैया नहीं हो सकते। तो उन्होंने कहा क्यों, कहते नहीं इक्वल टू सर सैयद, यहां हम 42 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे पढ़ रहे हैं इसलिए इक्वल टू सर सैयद। फिर सर सैयद सानी का खिताब मुझे मिला है, क्या चाहिए मुझे, व्हाट आई वांट मोर इनफ फॉर मी, मेरे लिए यही चीजें काफी हैं। मुझे जो मेरी 468 माएं हैं, कुछ मेरी बेटियां हैं अडॉप्टेड, उनका भी नाम नहीं लूंगा, शादियां हो गई हैं, सारा कुछ सब कुछ हो गया, मेरी माएं अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे से बहुत प्यार करती हैं, उनके पास जो कुछ होता है वो जाता है, इलाके की गुड़िया जिनको शादियां हो गई बच्चों के और छोड़ गए वो, लेकिन मैं तो उनका बेटा हूं ना, मैं तो उनके पास सब कुछ जो कुछ होता है उनका हक है, उनका माँ का बेटे पे हक नहीं है, अब्बास भट्ट जो बेटा है इसके ऊपर हक है। तो उनके पास जो कुछ होता है वो जाता है रात के अंधेरे में, कुछ ऐसे लोग हैं जो शुरफा हैं उनके पास रात के अंधेरे में जाता हूँ, उनका नौकर हूँ, मैं हूँ नौकर, मेरे में है जज्बा नौकरी का बस। हाँ देखूं अगर अगले आदमी को किसी ऐसा है कि जिसकी आंख में सूर का बाल है तो इधर पूरा सूर घुसा हुआ होता है, जो गरीब है उसका नौकर हूँ, स्टूडेंट का पढ़े लिखे हुए का नौकर हूँ, टीचर का नौकर हूँ, विजनरी पर्सनैलिटी का नौकर हूँ, उनका नहीं हूं जो कहें कि ये बस हम हैं और ये वो हैं और ये वो हैं, अपने दूसरों को अपने आप से कमतर समझते हैं। मैं कहता हूँ वो खुद कमतर है, दूसरे से वो खुद घटिया है, वो खुद नीच है जो दूसरों को अपने आप से कम समझता है। सर नहीं सर, कुछ लोगों का सर सवाल है आपके लिए, एक विकी साहब हैं, उनका सवाल ये है कि आप इतने पॉजिटिव कैसे रहते हैं? मैं मेरा टेस्ट डेवलप है, वकार शेख सॉरी सर उनका नाम है, आप इतने पॉजिटिव कैसे रहते हैं? मैं जानता हूँ विकी को, वकार शेख को जानता हूँ, वो ये है कि मेरा टेस्ट डेवलप है, मैं लो पर फायर है करना, बाई गॉड मेरा इतना टेस्ट है इसमें हद से ज्यादा, मेरे पे हालांकि संक्षर भी लगते हैं, यार आप क्या है, कोई आए फला कुछ ऐसी पुअर लैंग्वेज बोलते हैं, मैं उसे पुअर कहूंगा, टक्के टक्के के आदमी आते हैं, उठ कर गले लगाते हैं उनको, मोटरसाइकिल तक छोड़ते हैं उनको, गाड़ी तक छोड़ते हैं, दरवाजे बंद करते हैं, मैं कहता हूँ मेरा टेस्ट डेवलप है, बस बात ऐसी थी, क्योंकि मैं अपने आप से सबको इबाव समझता हूँ, कोई भी आए मेरे साथ इतना कुछ होता है, झूठ फ्रेब सारा कुछ होता है, बट आई डोंट केयर, मैं इधर से सुनता हूँ आंखों से देखता हूँ जाओ, लेकिन मैंने अपना जो मेरा अपना काज है मैंने उसको नहीं छोड़ना, और 100% पैट्रियोटिक हूँ, 100% अपनी आर्मी लवर हूं मैं, बिल्कुल इसमें कोई कंप्रोमाइज है नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों कि अगर मेरे अल्लाह सुभान ताला ने हमें आर्मी दी है, हैं तो मेरा पाकिस्तान है, सही और मेरा पाकिस्तान है तो मैं हूं, मेरा पाकिस्तान है तो फिर मैं हूं, मैं पाकिस्तानी हूँ शुक्र है अल्लाह का। काफी लोग हैं जो कहते हैं यार पाकिस्तान ने हमें क्या दिया है, मैं कहता हूँ यार आपको पासपोर्ट क्या है, पाकिस्तान लिखा हुआ है, हम हैं ग्रीन फ्लैग को सलूट करने वाले, ग्रीन पासपोर्ट हमें पसंद है, इनफ हमारे लिए यही काफी है, हमें कुछ और नहीं चाहिए। काफी लोग हैं ऐसे ऐसे कहते हैं, मैं कहता हूँ नहीं यार, और मैं मेरी कंपनी का आदमी कोई हुंडी के जरिए पैसा नहीं भेज सकता, इम्पॉसिबल, अभी तो नहीं, पहले तो बैंक को ये फैसिलिटेट करते थे बिजनेसमैनों को, मैंने एक शेयर जमान था उसका नाम यूबीएल अलायन का कैशियर, उसको साथ लेकर जाता था, मेरी साइड पे जाकर वो तनख्वाहें देता था और 10 पैसे में मुझे ज्यादा भी देते थे रेट, मैं प्राइस निकालता था 250 दिरहम और 500 का प्राइस निकालना मैंने, और मैंने क्या करना
कि आओ बैंक के जरिए पैसे भेजो, प्राइज मेरे मेरे 750 दिरम से अगर पाकिस्तान को 1.5-2 करोड़ मिल रहा है, 1 करोड़ मिल रहा है, व्हाट आई वांट मोर, इनफ फॉर मी, मेरे लिए यही काफी है, क्यों मैं क्यों ना सर, खरीदूं बहुत अच्छी अपने। सोच है सर, बहुत अच्छी सोच है भाई, आपकी बड़ी खिदमत है मुल्क के लिए सर। सर बिल्कुल शेराज बिल्कुल, साहब आपको सलाम कह रहे हैं, समा टीवी वाले। जी थैंक यू वेरी मच यार भाई, थैंक यू वेरी मच, मैं सलूट पेश करता हूँ आपको, थैंक यू वेरी मच। ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं सर, और बड़े मतलब करीबी साथी हैं, और ये आपके बड़े फैन भी हैं। इन्होंने आपके बारे में हमेशा बड़ी बातें हमें बताई, इन्होंने बल्कि एक बात और भी बताई थी, बल्कि इनके थ्रू मैं एक बंदा लइए के बंदे से मिला था। हमें एक और खबर भी अच्छा पता चली है, जो चीज़ आप नहीं हमें लोगों को बताते, आप रात की तरीके में जाके हमारी बहुत सारी बहनों के जहेज भी दे आते हैं, जो पता नहीं चलता है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, मैंने कभी किसी को नहीं बताया, कल जी रात को जगह में गया है, लेकिन नहीं सामने बिठाकर उनको तजलील नहीं करते, उनके फोटो निकाल कर सारी जिंदगी वो तजलील होते रहे, ना 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 ना, कुछ हैं जो सामने करो, ओपनली करता हूँ जो जरूरी है, लेकिन कुछ हैं जो रात के अंधेरे में, तो ऐसे भी है, शुक्र अल्लाह का। और भी काम काफी हैं, बहुत हैं, होटल कुर्रा सकीम है, मस्जिद पे कहीं भी कोई मस्जिद में पंखे नहीं है, मेरे डिस्ट्रिक्ट के अपना मेरे अपने मेरी कंस्टिट्यूएंसी में सॉरी, कहीं भी मस्जिद में पंखे नहीं है, मस्जिद में पंखे मेरा ऐलान है, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूरा मेरा ऐलान है, कहीं भी वेलफेयर का काम हो तो मैं हिस्सा लूंगा, कहीं भी पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर वेलफेयर का काम कहीं भी है तो उसमें मैं हिस्सा लूंगा लाजिम। लैया के अंदर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया मैंने 2.5 मिलियन का, अभी पानी का शुक्र अल्लाह का वो चल रहा है, मेरे मालिक की मेहरबानी है। कहते हैं कि ये वो है, अभी बसें जो मेरी चल रही है तो वो इधर 2-4 आदमी आगे कहते हैं कि आप ये ना बाहर से अरबों से पैसे लेते हैं, आप 5 लाख एक बस का, और यहाँ आपका 2,65,000 खर्चा होता है, वो खर्चा पूरा किए फिरते थे, 2,65,000 आपका मंथली खर्चा होता है, और आप ये 20 बसें देखें यार, रिक्शा नहीं चलता, आप 24 बसें कैसे चला रहे हैं, तो ऐसे ऐसे यानी वो जो है पुराने, लेकिन अप्रिसिएशन मैंने कहा है ना जो मिलती है ये जवानों से मिलती है, अल्लाह इन्हें लंबी जिंदगी दे, बस मेरी खुशियां इन जवानों ने पूरी पूरी, जो मेरी खुशियां थी, जो मेरी नीड थी, आज जवान हैं जो पढ़े लिखे हैं जो बाशऊर हैं, उन्होंने मुझे दी हुई है, अल्लाह अप्रिसिएशन मुझे ये काम करवा रही है, मेरे मालिक की इतनी मेहरबानी है, बहुत बहुत मेहरबानी है मेरे अल्लाह की। ग्रेट सर, एक सवाल आ रहा है, मोहम्मद उस्मान नासिर साहब हैं, वो कहते हैं जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए किस चीजों की जरूरत है और किन से बचने की जरूरत है, और दूसरा कि हम अपने बिजनेस में सक्सेस के लिए क्या मोटिवेशनल आइडिया या क्या मोटिवेशन लेके आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बिजनेस में पढ़ते हैं, पैसा डालते हैं, बिजनेस फेल हो बात जाते है हैं। जो मैं प्रैक्टिकल हूँ जिन चीजों से, एक तो ये है कि मिलावट ना हो, मिलावट नहीं होनी चाहिए किसी चीज में, और नंबर दो झूठ ना हो, झूठ ना बोला जाए। मैं एक दिन अपने विले में बैठा था, अपने विले के अंदर एक मुझे फोन आ गया कि हम आ रहे हैं, तो मेरे पास कुछ बाहर के मेहमान आए हुए थे, उनका नाम नहीं बता नहीं सकता हूँ कौन थे, तो पाकिस्तान से, तो मैं नहीं चाहता था कि ना आए, वो जब रास्ते में आए मैंने कहा, मैं बाहर निकला, बाहर निकल कर फिर अपने विले से बाहर गया, मैंने कहा यार मैं विले के बाहर हूँ, मैं घर पे नहीं हूँ, घर में अंदर नहीं हूँ, मैं विले के बाहर हूँ, यानी झूठ मौत नजरती है, मुझे बोलना मौत नजरती है, मौत का नजारा होता है। बस अगर आप चैरिटी करते रहें, चैरिटी करते रहें, ये नहीं कि इतनी चैरिटी कर दे कि आप फिर डिजर्विंग को मांगने की तक आ जाए, नहीं, अपना आप फिट रखें आगे फिर चैरिटी करते रहें, तो इतनी प्रॉफिट होगी, इतनी प्रॉफिट होगी हद से ज्यादा। हाँ, उसके रिलेटेड जो है ये स्ट्रगल बहुत जरूरी है, दिन रात ये ना देखे, काम काम और काम काम करते रहें, पीछे ना देखें, धूप धूप साया ना देखें, काम करें उसमें बहुत। और मैं एक और बात भी बताता चाहूंगा सबके लिए, पूरे पाकिस्तानियों के लिए, ट्रस्ट लिखकर, ट्रस्ट लिखकर उसे एक्स कर दें, किसी पे हदीस में है, किसी पे भरोसा करना अच्छी बात है और ना करना बहुत अच्छी बात है, तो सही बात इसलिए है सर। आजकल आजकल ना मेरे पे नाराज भी ना होंगे, किसी पे भरोसा ना करें, उतने कुछ किसी को दे दें कि जो वापस ना ले, बस वो ठीक है, बाकी जो है हेल्प करना वो बहुत जरूरी है हर किसी की, हेल्प तो मेरा मालिक करता है, अल्लाह अल्लाह सुभान ताला करता है, तो किसी की अपना खिदमत करना ये बहुत जरूरी है, ये पार्ट ऑफ सक्सेस, पार्ट ऑफ सक्सेस, अगर किसी की खिदमत करेंगे, चैरिटी करेंगे तो बहुत आगे आएंगे, और स्ट्रगल जरूरी है, बहुत ग्रेट सर, स्ट्रगल।
सर एक और सवाल, बल्कि एक साहब हैं मोहम्मद इफ्तखार साहब, वो कहते हैं, सलाम लाला, आर्य के बैंक एलेन जुई वाला इफ्तखार उल हक रिटायर्ड नौ अब्बास साहब ने हमें के बहुत वाइट राइस भी खिलाए हैं, सेम आई सलाम इफ्तखार फ्रॉम आर्य के बैंक एलेन सर। बिल्कुल 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 इफ्तखार साहब, बहुत अच्छे माशाल्लाह, आर्मी से भी इसका भाई रिलेटेड है, शुक्र है अल्लाह का। और ये भी पाक आर्मी के, मैं तो लवर हूं ही हूँ, मेरा तो सारा कुछ, मेरे तो है ही अल्हम्दुलिल्लाह की तरफ से लवर हूँ मैं आर्मी का। तो ये भी बहुत अच्छे दोस्त है, और इसने भी, सीधी बात है कि मेरी कई दफा, इतनी दफा यानी आउट ऑफ वे भी हेल्प की है। क्या है कि अल्लाह ताला की मेहरबानी थी भैया, कि एक अल्लाह ताला ने एक नाम इतना ही बना दिया था कि कहीं भी जाता तो मैं ना, मेरे से कोई चेक लेता था ना, कोई एलसी खुलवाता था। मेरी एलसी के ऑफिस ने डीमैट अप्रूव कर दी, मेरी ओडी अप्रूव कर दी इसने, बगैर किसी से ना कोई गारंटी लेने के, कुछ ना कुछ ने कहा मैं जानता हूँ अपनी गारंटी, गारंटी पे इसने मेरी, शुक्र अल्लाह का कि 15-20 अपना फैसिलिटी कर दी इस बंदे ने। ये कुछ पाकिस्तानी है बैंकर, बहुत ही अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि आदमी सोच ही नहीं सकता। एक नियाजी अजीज नियाजी साहब हैं, वो ये ऐसे हैं, और इसके अलावा और भी काफी बैंकर हैं, जैसा कि शारजा ब्रांच में बैठे हैं, वो भी बहुत अच्छे बच्चे हैं माशाल्लाह। मजा आ जाता है जिसके पास जाओ, सर्विस देकर खुश हो जाता है पाकिस्तानियों की, कई जगह पे पाकिस्तानी, मेरी तो कमजोरी है पाकिस्तानी, इवन कहीं कोई खड़ा हो ना सिक्योरिटी गार्ड, बॉडी लैंग्वेज बता रही होती है उसकी, तो मैं उसको भी जाकर हग करता हूँ, सलाम अलैकुम, कैसे हो बेटा, क्या है, कहाँ से है, वो कहते हैं मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं कह रहे पाकिस्तानी है तो मैं आपको हक कर रहा हूँ तो कहाँ से हो, कहते हो कोई रावलपिंडी से, कोई कहाँ से, कोई कहाँ से, बस मेरा दिल खुश हो जाता है, मैं तो पाकिस्तानी लवर हूँ, आर्मी लवर हूँ, बस ये मेरा काम है। तो ग्रेट। बहुत सर एक हमारी बहन है इकरा इयास खान, उनका मैसेज है याद, कि जी वो कहती हैं कि मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग में, बट अलेन जब मैं आई हूँ पाकिस्तान से तो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस और कुछ भी काउंट नहीं होता और मैं बिल्कुल जीरो पे हो गई हूँ, तो इस सिचुएशन में आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं? मेरी बहना अपना, मैं अलायन, हाँ एक और बात बताता जाऊँ, अलायन स्कूल है ना, इसका लाइसेंस भी, इसके लाइसेंस के अंदर भी मेरा नाम है अल्हम्दुलिल्लाह। अम्बेसी को, पूरे पाकिस्तान को, कोई गवर्नमेंट आती है तो कहती है ये फॉरएवर है और रहे। हमने अलायन में बहुत मिलजुल कर, पूरी कम्युनिटी में, जिसमें एक मैं नहीं हूँ कि मैं अकेला हूँ, नहीं, पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, जिसमें हादी है, अफगान स्टोर वाले, और अब्दुल हादी, और मेरा मतलब है राजा साहब हैं, राजा खालिद साहब, मलिक अजहर साहब हैं, जहीर कश्मीरी साहब हैं, एक राणा इरफान साहब है, वो हैं, हम सब मिलकर जितना होता है हम करते हैं, खिदमत करते हैं और करते रहेंगे। और पहले फरूकी साहब थे, वो बहुत से चले गए हैं, और काफी दोस्त थे अपना बंगे साहब, वो बंगे साहब वो चले गए हैं, और काफी दोस्त हम मिलजुल कर ये पूरे अलाइन में जो खिदमत हो सकी करेंगे। लेकिन हमें माशाल्लाह यहाँ फैसिलिटी बहुत मिली है, मैंने सारे का सारा, कहाँ पैदल और कहाँ कुछ, शुक्र है मेरे मालिक का। एक दौर ऐसा भी था कि जेट कार्गो के नाम से मेरे 2 जहाज भी थे, मेरे मालिक माशाल्लाह की सर, मेहरबानी, हमने सारा कुछ, सीधी बात है कि इवन जहाँ अभी मैं बैठा हूँ, जिस फर्नीचर पे, ये भी मैं यूएई से लाया, यूएई की, अगर आप देखें ना, शायद कोई बुरा मनाता है फिर भी मनाए, मैं उससे कोई वो नहीं करूंगा। शेख जैद, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, है ही जन्नती, और शेख राशिद, इन जैसा आदमी दुनिया में पैदा नहीं होगा, ऐसी शख्सियत नहीं होगी पैदा, कैद आजम थे हमारे माशाल्लाह, उस जैसा भी कोई पैदा नहीं होना। ये शख्सियत जो है ना, ये इस दुनिया में बहुत कम पैदा होंगी, ऐसी शख्सियत जो है, ऐसी शख्सियत बहुत कम पैदा होंगी इस दुनिया के अंदर, इस दुनिया के अंदर ऐसी शख्सियत नहीं आनी दोबारा, बहुत कम पैदा होगी। तो मैं सलूट पेश करता हूँ अभी भी, जिनको मैं कह रहा था, मैं सलूट पेश करता हूँ, वो आ गए मेरे मेरे भाई, मेरे मोहसिन, मेरे पाकिस्तान माशाल्लाह के मोहसिन, मेरे सामने, अल्लाह आप सलामत रख, वो आ गए। तो भैया मैं तो सीधी बात है 100% पैट्रियोटिक हूँ, और इवन सफर भी करना है मैं अपने पीए पे करूंगा, पीए पे करता हूँ, और इवन मुझे कराची से मुल्तान आना पड़े आता हूँ, इस्लामाबाद से मुल्तान आना पड़े, अपनी अपनी एयरलाइन पे आऊंगा। कोई प्रोडक्ट है तो कोशिश करूंगा कि अपना पाकिस्तान का इस्तेमाल करूं, ये मेरा काज है, ये मेरे मंशूर का हिस्सा है, सारी कंपनी में भी ऐसा करता हूं मैं, क्योंकि मैं आर्मी लवर हूं और पैट्रियोटिक हूं, ये मेरा काम है। अच्छा, तो सर ये जो आपने इतने भर्तियां और इतने पाकिस्तानी लेके गए हैं और इसी से आपने मुझे बताया कि आपकी मोटिवेशन भी मिली, कि आपने कहा कि हम इसके एजुकेटेड क्यों नहीं, क्यों हर बंदा लेबर क्यों मांग रहा है, हाँ
इसीलिए मैंने ये यूनिवर्सिटी बनाई। हर आपने जो लेबर लोहिया से, हंगेरिया ने कहा लोहिया से लेबर लाओ, मैंने कहा यार पहले नाम के दर एल ए डबल वाई ए एच कहे, लोहिया कहे, लोहिया नहीं है। फिर मैंने उसकी फाइट की, उसके मुकाबले में मैं जीत गया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी PhD अपना MBA MCOM मेरी यूनिवर्सिटी से अल्हम्दुलिल्लाह निकल रहे हैं, शुक्र है मेरे मालिक का, मेरी खुशियां हैं, मेरी ड्रीम कंप्लीट हुई है, मेरे सामने है मेरी ड्रीम। सर ये माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है कि आपने एक छोटी सी बात की इतनी बड़ी मोटिवेशन ली और पूरा इलाका बदल दिया। 5% से 95% या 90% पे आप आ चुके हैं लिटरेसी रेट में। 4% था लिटरेसी रेट लिया का, 4% नाउ थैंक्स गॉड 90, मेरे मालिक की मेहरबानी है, ऊपर वाले की, और मुझे मोटिवेशन मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे मेरे शोल्डर और स्ट्रांग होते हैं वो पढ़े लिखे जो बाशऊर हैं, जवान हैं, जो मेंटली सिक नहीं है, मेंटली क्रूक्ड माइंडेड नहीं है, जो बिल्कुल पाक और शफाफ माशाल्लाह अपनी इसके हैसियत रखते हैं। मैंने कहा है ना, मनी मेकर फ्रंट ऑफ मी, नथिंग नथिंग, ओनली एजुकेटेड पर्सन एंड विजनरी पर्सन। That's true. तो सर आपके अभी कितने businesses हैं, मतलब UAE में, पाकिस्तान में, कुल मिला के? और किसी कंपनियां दो अलाइन के अंदर हैं, अच्छा, और दो दुबई में हैं, और दो शारजा में हैं, और एक अजमान में है, ऐसा करके, और छोटा छोटा बाकी भी, कभी कोई चीज खरीद ली, कोई कोई एक दो फ्लैट खरीद लिया, कभी कुछ खरीद लिया फिर आगे बेच दिया, पर ऐसे पाकिस्तान के अंदर मेरे मालिक की मेहरबानी है, शुक्र अल्लाह का, टोयोटा कंपनी में मैं पार्टनर हूँ, डीजी टोयोटा डीजी में, माशाल्लाह सर, जी हाँ, और लैया राइस मिल में पार्टनर हूँ मैं, और भट्टी काटन मिल में वो अपनी है, हमारी अपनी फैमिली की है। तो मैंने कहा है ना कि मेरे 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 साथ सपोर्ट मेरे भाइयों को, मेरे पूरे कबीले की है, इतना प्यार मिलता है कि मैं सोच नहीं सकता हूँ, जितने मेरे भाई मुझे प्यार देते हैं, मेरे भतीजे, मेरे भांजे, मेरी पूरी फैमिली, बहुत प्यार मिलते हैं, मैं मुझे इतनी मोटिवेशन मिलती है हद से ज्यादा। फिर उसके बाद पढ़े लिखे जवान, अल्लाह इन्हें लंबी जिंदगी दे, इनकी मैंने खिदमत की है और करता रहूंगा, करता हूँ और करता रहूंगा मरते दम तक, मैंने पीछे नहीं हटना, और गरीब का नौकर, बस गरीब का नौकर हूँ और नौकरी करूंगा। और कहते हैं ना, कुछ कहते हैं ये जी प्रोजेक्ट मैं लाया हूँ, ये मैं स्कूल लाया हूँ, मैं कहता हूँ व्हाट इज योर प्रोग्रेस, टेल मी। आप कहते मेरा बाप ये था, मेरा दादा ये था, आपने क्या किया इस कंट्री के लिए, आप अपना बताओ, व्हाट इज योर प्रोग्रेस, व्हाट इज योर फ्रॉम दिस पॉकेट। अल्हम्दुलिल्लाह जो कर रहा हूँ ऊपर वाले की मदद से, जो ऊपर वाली गवर्नमेंट है, यूनिवर्सिटी भी उसी की वजह से, ये भी और भी कुछ काम करता रहता हूँ ऊपर वाले की मदद से। मैं जो कहते हैं ना बस अपना ये सेल्फ ब्ला ब्ला ब्ला, इसके मैं अल्लाह की मदद है ऊपर वाले, माशाल्लाह। नहीं तो सर ये सब कुछ आपने मेहरबानी लैया की आवाम के लिए की हुई है सर, हम भी पाकिस्तानी हैं, आपके इर्द-गिर्द रहते हैं। 100% सही कह रहे हैं, आप हम पे एक्सटेंड करेंगे सर, आप 100% सही कह रहे हैं, मुझे सारे कहते हैं सिर्फ लैया तक महदूद न रहे। पहले मैं अपनी कंस्टिट्यूएंसी तक था, अपनी कंस्टिट्यूएंसी तक, फिर मैं तहसील तक चला गया, तहसील के बाद अभी मैं पूरे जिला लैया के अंदर आ गया हूँ। क्यों कि मैं चलता हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, इकोनॉमिस्ट भी आकर रुक जाते हैं, मेरे पे इल्जाम भी लगे हैं, इसकी जी दुबई के अंदर डॉलरों की मशीनें लगी हैं, ये इसके जनाब कारखाने वहां लगे हुए हीरोइन के, काफी लोगों ने इल्जाम लगाए, लेकिन मेरे मालिक की मेहरबानी है, ऊपर वाले की, शुक्र अल्लाह का, जो मेरी ड्रिलिंग कंपनी है या दूसरी कंपनी है वो है भी ऐसे माशाल्लाह, उसके उसमें प्रॉफिट इतनी मेरा मालिक मुझे दे देता है, मेरी अबव माई थिंकिंग, तो मैं यहाँ चला रहा हूँ। मैं अगर आगे बढ़ा तो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने चलूंगा, मैं अपनी उसके उसको अपने देख कर, मेरी बैलेंस शीटें बनती हैं, सारा कुछ कितना चल सकता हूँ, हर चीज बजट को देख कर आगे चलता हूँ मैं। सर सही बात है, जो आपने प्रोजेक्ट शुरू किए अगर उनको ही सक्सेसफुल ना कर सके और आगे चल के वो भी फेल हो जाए तो उसका कोई फायदा नहीं है। आई एग्री विद यू सर, माशाल्लाह एक विजनरी, माशाल्लाह मेरे सामने जो क्वेश्चन हो रहे हैं तो आप ऐसे तो नहीं है ना सर, आपकी करम नवाजी है सारी सर, अच्छा लगता है माशाल्लाह, अच्छे अच्छे दोस्त हैं मेरे वहाँ, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, काफी काफी अच्छे दोस्त हैं वहाँ, तो मेरी प्यार मिलता है जिनसे, इतना के सच्चा प्यार मिलता है। अलैन में जाऊँ तो वहाँ सारा ग्रुप है, दुबई में जाऊं तो वहां मेरे अच्छे दोस्त हैं, अबू धाबी में जाऊं वहां दोस्त हैं पाकिस्तानी, तो मेरी कंस्टिट्यूएंसी है पाकिस्तानियों तक ज्यादातर, बाकी से तो सिर्फ मीटिंग ही रहती है, वैसे 9 लैंग्वेज में जानता हूं माशाल्लाह। सर कौन कौन सी सर और ज़बानें बोल सकते हैं? अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। इटालियन, वाओ, वेरी यूनिक लैंग्वेज फॉर अ पाकिस्तानी टू नो सर,
इधर 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 जो है ना ये अक्वाफीना लिखा हुआ है, मैंने कहा नहीं ये इटालियन अल्फाज है, अक्वा फाइन फाइन वाटर, अक्वा अक्वा फाइन फीना कहते हैं इटालियन में, तो अक्वा फीना वो इटालियन अल्फाज है पानी फाइन वाटर। तो मैं इटालियन कंपनी में आया था तो फिर अपने हाथों पे लिख लेता था, अपनी कमीज पे लिख लेना इसने क्या कहा है सारा कुछ, ये मेरी असलियत है। बेटे मेरे साथ नाराज होते हैं, मेरी यूनिवर्सिटी का अपना वो था क्या नाम है इनॉग्रेशन था, तो बेटा मेरे पास आया था सिटिंग एमपी है, कहते बाबा अपनी वो ना बताना स्कूल वाली बात कैसे जा रहे थे आप, स्कूल कैसे जा रहे थे और क्या। मैंने कहा अच्छा 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 ठीक है बेटा, मैं शुक्र है आपने बता दिया। मैंने ऊपर ऊपर लिखा, मैंने कहा जब मैं स्कूल जा रहा था तो मैं नंगे पाँव जा रहा था तो ये जो यूनिवर्सिटी का भाई, शुक्र अल्लाह का मैं एक मजदूर किसान का बेटा हूँ, मैं फख्र महसूस करता हूँ, शुक्र अल्लाह का को मैं चोरी नहीं की, झूठ नहीं बोलता हूँ, किसी का ज्यादती नहीं, कोई एक आदमी खड़ा होकर कह दे कि इसने मेरे साथ ज्यादती की है वल्लभ खुदा कतल बाजे, हाँ वो मैं पहले बता गया हूँ। मैं बिल्कुल ही, मैंने आपको कैटेगरी बताई है, आर्मी लवर हूँ, गरीब का नौकर हूँ, स्टूडेंट का, पढ़े लिखे का और टीचर का। अगर कोई कहे ना कि मेरी किसी की आंख के अंदर सूर का बाला, तो इधर पूरा सूर घुसा हुआ होता है, बात है सीधी, मैं प्यार से तो जबा हो जाऊंगा, लेकिन इन जो कहे कि मैं बड़ा हूं, नहीं बड़ी अल्लाह के साथ है, आदमी कोई बड़ा नहीं है। तो मेरा कुछ अपना सिस्टम है जिसके साथ मैं चलता हूं और 100% इस्लामिक टाइप का हूं, शुक्र अल्लाह का। इल्जामात की इतनी चाड़ मेरे पे लगाते हैं हाथ से भी ज्यादा, जो भाई गार्ड मेरी सोचू से बिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर होती हैं, वो मुझे सुना कर जाते हैं, कोई कुछ कहकर जाते हैं, कोई कुछ, मैं बट आई डोंट केयर। मैं अपना जो मेरा काज है, जो मेरा मंशूर है, उनको मैं नहीं छोड़ता, अपना ट्रैक जो है वो मैं नहीं छोड़ता हूँ, और इंशाल्लाह ना ही छोड़ूंगा मरते दम तक। ये नौकरी का सिला, ये खिदमत का सिला, ये मैं जारी रखूंगा, ये आर्मी से लव ये जारी रखूंगा पूरी जिंदगी, जब तक मेरी जिंदगी आए और मैं रहूंगा। डेफिनेटली सर, एक छोटा सवाल है, क्योंकि आपने एलेन तब देखा जब हम लोगों ने नहीं देखा, आपने एलेन की डेवलपमेंट में प्लांटेशन में तो बहुत ज्यादा साथ दिया, सही कह रहे हैं सर आप। 75 में पैदा भी नहीं होंगे पाकिस्तान का, मैंने कहा है ना कि इरिगेशन का फाउंडर भी मैं हूं पाकिस्तान का, ड्रिप इरिगेशन का जी सर। तो एलेन में आपने क्वेश्चन किया, प्लीज अगेन। नहीं सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, तो आप एलेन की जिस तरह डेवलपमेंट हुई और चेंजेस आई हैं, आप इसको कैसे देखते हैं, और आप इसको क्या, इसमें हम पाकिस्तानियों का कंट्रीब्यूशन, ठीक है आपका कंट्रीब्यूशन इरिगेशन की तरफ तो बहुत रहा है, बाकी तरफ क्या है? इतनी कंट्रीब्यूशन है इमारात के अंदर कि इबाओ ओवर थिंकिंग, बहुत कंट्रीब्यूशन है। और अल्लाह जिंदगी रख, अल्लाह जन्नत नसीब करे शेख जैद को, अल्लाह जन्नत नसीब करे शेख राशिद को, काश कि ऐसे शख्सियात जो हमारे मुल्क को न लूटे वो हों, वो कहाँ रेत थी अभी गुले गुलजार है, वो रेत को गुले गुलजार बना दिया उन्होंने, और हमारे कुछ ऐसे बैठे हैं वो कहते हैं जी बस क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं, जहां हमारी फोर्सेस आर अपना करप्शन के आगे बैरियर बने तो फिर जमहूरियत को खतरा हो जाता है, फिर जमहूरियत को खतरे हैं हमारे को, ऐसा भी होता है हमारे साथ, हम क्या करें, हमारे मुल्क के अंदर हमारे मुल्क को लूटे ना तो हमारा मुल्क कहाँ का कहाँ हो, कहाँ का कहाँ हो, और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी एक कंट्री है, इंशाल्लाह ये ऐसे ही रहेगी, और जो मुल्क दुश्मन है वो जलते रहेंगे, लेकिन जब तक हमारी आर्मी है इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अल्लाह की तरफ से हमें आर्मी मिली हुई है। थैंक यू ब्रदर, एनी क्वेश्चन? जी सर, अब ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपकी इतनी इनकम होती है, पैसा होता है, फॉरेन रेमिटेंस होती है, तो एक हमारे पाकिस्तान में एक डिपार्टमेंट है टैक्स वाला, वो लोगों को हर तरह से तंग करता है, उसमें वजह ये नहीं होती कि आपकी कोई इनकम राइट है या रॉन्ग है, कई दफा वो खुद आपसे रिश्वत लेने के लिए भी आपको तंग करते हैं, अल्लाह माफ करे, मतलब बहुत सारे मसले होते हैं, तो आपको कभी इसमें मसला आया पाकिस्तान में? क्योंकि मैं अपने बहुत सारे दोस्तों या लोगों को जानता हूँ कि हम पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पाकिस्तान में चैरिटी करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि हमें पाकिस्तान में सहूलत नहीं मिलती, हमें करप्शन बहुत है, हमसे कोई पैसे मांगते हैं, इस वजह से हम पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो आपने कभी ये चीज फेस की? बिल्कुल गलत कहते हैं, जितनी सहूलियत पाकिस्तान के अंदर है और कहीं भी नहीं है इस वक्त, बिल्कुल जो अभी टाइम जा रहा है बहुत सहूलियात हैं, और बहुत ही कोरोना की वजह से थोड़ा वो एक थोड़ा सा एक 20% बैरियर आया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मैं जितनी मेरी अपनी रेमिटेंसेस बाहर की हैं सब कुछ बाहर से लाया हूँ, मेरे यहाँ का मैं जिस फर्नीचर पे बैठा हूँ ये भी बाहर से लाया हूँ, मैं आज करूँ कि हर चीज़ वन टू ऑल
शुक्र है मेरे मालिक की, 2-3 अरब डॉलर की ये जो मेरी अपनी प्रॉपर्टी है मेरे मालिक की अल्हम्दुलिल्लाह जो दी है उसने, वो पूरी की पूरी मैं बाहर से लाया हूँ, फॉरन इन्वेस्ट है, और मुझे कभी भी कोई परेशानी नहीं हुई, कभी भी कोई किसी ने तंग नहीं किया है मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की इतनी मेहरबानी है, अगर सीधा चलता रहे आदमी तो भैया बस कोई तंग नहीं करता, सीधी बात है। अनपढ़ पर ये दुआ करना अल्लाह से कि अनपढ़ एंकर ना हो, अनपढ़ मीडिया ना हो, अनपढ़ मीडिया ना हो, बस फिर तो है ठीक। जो रात को इस टाइम बैठेंगे, पाकिस्तान अभी ये मुश्किल है, पाकिस्तान के लिए ये मुश्किल है, जो फॉरन से इन्वेस्ट लाना चाहे वो भी नहीं लाते सर, जो फॉरन से इन्वेस्ट लाना चाहे वो भी नहीं लाते। तो ऐसे जो एंकर हैं, दो एक दो तीन को मैं जानता हूँ, 4-6 को, तो फिर वो पाकिस्तान को कौन, जो पाकिस्तान को शाम को गिरा कर सोते हैं, अल्लाह ताला की मेहरबानी के देखो वही का वही होता है। कुछ एंकर ऐसे हैं, उनको चाहिए कि मेहरबानी करें हम पे भी, पाकिस्तान पे भी, और हमारे बच्चों पे भी मेहरबानी करें। तो पाकिस्तान को इतना ना गिराया करो, ना ही पाकिस्तान इतना गिरने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। हमें खुद कभी मसला नहीं हुआ, अल्लाह के फजल से इतने साल हो गए, कभी हमें प्रॉब्लम नहीं हुआ, पर लोगों से बड़ा सुनते हैं, पता नहीं लोगों को क्यों हो रहा है। अनपढ़ मीडिया कहेगा, कोई ऐसे प्रीपेड कुछ चैनल होंगे तो वो कह देंगे। पाकिस्तान जैसी कंट्री, हम अल्हम्दुलिल्लाह सो मेनी कंट्री घूम बैठे हैं, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह। हमने आपका काफी वक्त ले लिया है, आखिर में आपसे बस एक सवाल करके फिर आपको करेंगे, आपका फ्यूचर प्लान क्या है? जिंदगी में अल्लाह ने आपको सब कुछ दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया, बेहतरीन फैमिली, बच्चे, सिर्फ और सिर्फ यही है कि अगर ज्यादा से ज्यादा बजट जो शहदा के बच्चे हैं उनके ऊपर होगा मेरा, जिनका हम पे हक है, ये अब्बास भट्टी ना कहे मैं ये कर रहा हूं उनके लिए, मैं ये कर, नहीं, उनका हक है। अगर उनका हक हम अदा नहीं करते हैं, जो मेरी माँ धरती पे कुर्बान हो गए, मेरी माँ धरती के लिए उन्होंने जान दे दिए, इंच किसी को अंदर नहीं आने दिया, अपनी जान तो दे दी है, क्या उनके बच्चों का हक नहीं हम पे पढ़ना? जो साहब हैसियत है, कोई भी है, इवन साहब हैसियत नहीं है उनकी, उनके और कुछ नहीं तो उन्हें सल्यूट करें, वो उनका हक बनता है, उनका डिजर्विंग नहीं है, वो उनका हक है हम पे, तो उनके लिए सारा कुछ कर रहा हूँ इंशाल्लाह। और अपने जो गरीब हैं, और इंशाल्लाह जो मेरे एरिया के नज़दीकी नज़दीकी हैं, उनको कारोबार भी करवा रहा हूँ, उनके लिए और भी काफ़ी काम है, उनको मैं इंशाल्लाह अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरा खून का एक एक कतरा इन अपने मुल्क के लिए है, और अल्लाह करे मुल्क के काम आऊँ, मैं मुल्क के लिए मेरा खून काम आए, मेरी मालिक यही दुआ है। मुझे थ्रेट मिलती रहती है, हम इस आएंगे तो हम आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, मैं कहता हूँ करो जो कुछ करना है, जाओ जो कुछ करना है, तो मैं डरता नहीं हूँ, अल्लाह की जात से डरता हूँ बस। सही बात। और गरीब वकार जावेद साहब कह रहे हैं कि आपने जाने से पहले अपनी इलाकई जबान में सराइकी में जरूर मैसेज देना है, और वो चश्मा से कुंडिया से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा तो लेकिन सर पहले आप हमें उर्दू में मैसेज दें सब अलैन में रहने वाले यूथ और सब लोगों को, उसके बाद सर आप अपनी इलाकी जबान में दें सर, और उसके बाद फिर हम आपसे। मेरे पाकिस्तानी भाइयों, आप फॉरन में हैं या डोमेस्टिक अपनी कंट्री में हैं, जितने भी हो सके अपनी आर्मी से लव करो, अपनी आर्मी से प्यार करो, क्यों कि अल्लाह सुबहाना ताला ने हमें आर्मी दी है, और हमारा पाकिस्तान है, आर्मी है तो हमारा पाकिस्तान है, अगर ऐसे ही है ना, थैंक यू वेरी मच। और पाकिस्तान है तो फिर मैं पाकिस्तानी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं, सब पाकिस्तानी हैं, तो मैं यही कहूँगा कि कोई भी हमारा पाकिस्तानी है, जितने भी हैं, अपनी आर्मी से लव करें, अपने वतन से लव करें, ये मेरा रिक्वेस्ट भी है, मेरे इस हकीर की अपना वो इल्तजा भी है, तो मैं यही कुछ कहूँगा, और ईमानदारी का दामन न छोड़ें मेरे भिरावो, अल्लाह तो को सलामत रखे, खुश रहो, जितने भी हो बाला बच्चा नाल सारे, मेरी इल्तजा है अपनी आर्मी नाल प्यार रखो, अपने वतन नाल प्यार रखो, अपने मुल्क नाल प्यार रखो, ते अल्लाह ताला तुहारे नाल प्यार करे सी, ते मेरा अल्लाह ताला भी तुहारे उते राजी रासी, ए मेरी तुहारे अगु इस्तदा है, और ए मेरी तुहारे अगु हाथ जोड़ के आखसा, ए अब्बास भट्टी, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको खुश रखे, आपके चैनल को सलूट पेश करता हूँ, आपके विजन को सलूट पेश करता हूँ,
आपके दोस्तों को, और मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आई सलूट यू ब्रदर, आई सलूट यू। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स अ लॉट फॉर योर एफर्ट्स फॉर द कंट्री सर, वी आर रियली ऑब्लाइज्ड टू यू। हम सब आपके एहसानमंद हैं सर, शुक्रिया बहुत बहुत सर। अल्लाह आपका ख्याल रखे, अल्लाह नेगेबान सर। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू।